हे गाइस, तो आलू इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल सब्ज़ी है कि आप इसको कहीं पे भी डालो, किसी के भी साथ बनाओ, बहुत आसानी से बहुत जल्दी एक अच्छी डिश रेडी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात कि इसको खाने के बाद पेट भी भरता है। तो हाँ, आज हम भी आलू के साथ एक डिश रेडी करने वाले हैं। और आपको एक बात बताऊँ, जब भी आपके घर में मेहमान आने वाले हो या आपको कहीं जाना हो, पहले से तैयारी करनी हो, तो बस आलू उबाल के रख लेना। उबले हुए आलू के साथ आप सब्जी, कटलेट, वड़ा, ब्रेड रोल कुछ भी बना सकते हो। तो हाँ, चलो आज की डिश बना लेते हैं। यहाँ पे ब्रेड आ गई है तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा। जी हाँ, और मैं आलू लगा के बना रही हूँ। मैं सिर्फ बेसन का नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़े हैवी हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड में आलू लगा दिया और इसकी कटिंग कर लेंगे चार छोटे पीस में। और यार पता है, इसमें ना एक चीज़ गड़बड़ हो गई, वो ये थी कि ये जो ब्रेड थी ना, ये शायद पुरानी थी। मतलब जब हम दुकान में ले जाते हैं तो दुकान वाला तो कहता है आप फ्रेश ही है, लेकिन जब भी आप ब्रेड लोगे ना, जो नई ताज़ी ब्रेड होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है जैसे कोई कपड़ा हो। मतलब अगर आप उसको बेलोगे तो वो एक रोटी की शेप ले लेगी, और जो पुरानी ब्रेड होती है ना, वो टूटने लगती है चूरा जैसे। तो ये ब्रेड कुछ इसी तरह की थी। बट हमने इसको जब फ्राई किया, इस बार मैंने फ्राई पैन में फ्राई किया और बहुत अच्छा फ्राई हुआ। तो हाँ, जब मैंने इसको फ्राई करके निकाला, यार इतना अच्छा बना ना, क्योंकि मेरा मसाला बहुत सही था। पता है, मैं हमेशा मसाले में आमचूर डालती हूँ और मुझे इतना मस्त वो थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आता ना, तो मज़ा आ जाता है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने मसाले में ज़्यादा मेहनत की थी और बाहर की जो कोटिंग है उस पर मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी। पर आप देख सकते हो कि यार ये कितना सही बना है ना। अगर मेरे पास हरी चटनी होती ना तो मज़े ही आ जाते, बट वो मैं बना नहीं पाई थी। तो हाँ, यहाँ पे सॉस से काम चला रही हूँ। तो आप भी खाओ, आप भी बनाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।